लूसी, तुम क्या पढ़ रहे हो? आयतल कुर्सी। वो मम्मी कहती है जब दिल घबराए ना तो आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए इंसान को। तो ये हमें मरवाएगा, इस तरह से डर रहा है जैसे रिश्ता मांग रहा है मेरा। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, मैं अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, मैं क्या करूं? अब मेरी नाक मत कटवा देना प्लीज। वो आ गया। मुझे वॉशरूम जाना। देख। हाय। फॉरेस्ट। बॉयफ्रेंड। मेरा मतलब लुकमान। बैठ। थैंक्स। आई एम सॉरी गाइस, आई थिंक थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं। अब थोड़ी नहीं, काफी लेट हो गए। आप ये रहता है लूसी की अब मेरी फ्रेंड है। लूसी कौन है? अब लुकमान। अब इसका पेट नेम है लूसी। ओह आई सी। आई एम सॉरी, निशा ने कभी आप लोगों का जिक्र नहीं किया तो मुझे आइडिया नहीं है आप लोगों के बारे में। कुछ नहीं होता, इट्स ओके। मगर हम तो सब जानते हैं आपके बारे में, आपका बड़ा जिक्र करती है निशा। रियली? दैट्स नाइस। तो फिर तो उसने मेरी प्रॉब्लम के बारे में बता दिया होगा आपको। पता नहीं, मैं काफी हेजिटेट कर रहा था आप लोगों से बात करने में, कैसे डिस्कस करूंगा, यू नो। लूसी, आई एम सॉरी, आई एम लुकमान। यू कैन कॉल मी लूसी। श्योर? या ब्रदर। थैंक यू यार। तो एक्चुअली मैं चाहता हूँ निशा कल का दिन मेरे साथ गुजारे। एक्चुअली हमने साथ कहीं जाना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो इसके बगैर होगी नहीं मीटिंग। आई नो तुम बिजनेस टूर से वापस आए हो, चाहते हो दोनों साथ टाइम गुजारना, बस कल का दिन प्लीज। हाँ हाँ ओके। आर यू ऑलराइट? थैंक्स बाय द वे। कुछ ऑर्डर करते? हाँ। एक्सक्यूज मी, एक नंबर के निकम्मे हो तुम, क्या जरूरत है उसे इजाजत देने की? मुझे बताया थोड़ी था कि मना करना है, मैं तो अच्छा बॉयफ्रेंड बन रहा था। मैं तो जब मना कर दूंगा तो बोलेगा निशा का बॉयफ्रेंड बैकवर्ड। हृदय, इसको क्यों डांट रही हो, इसका क्या कसूर है? मैंने मना कर दिया फारिस को। अच्छा आपने मना कर दिया, दस सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाए हुए फिर? तुमने तो छोड़ दिया ना, जान छूट गई तुम्हारी। कहां जान छूटी है, नाराज हो गया मुझसे। इनफैक्ट मुझे खुद बुरा लग रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? उसकी मदद करना मतलब अपनी बर्बादी। रिदा, मैं उससे प्यार करती हूँ, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। सही कह रही हो, बिल्कुल सही, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ तुम्हारा है। इतनी सीधी क्यों हो तुम? क्या मतलब है यार? मतलब ये कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, और फारिस जो कि इस वक्त तुम्हारा प्यार और उसको हासिल करना एक बहुत बड़ी जंग, बजाय तुम उसको उसके कजन से दूर करो, उल्टा तुम उसकी मदद करने का सोच रही हो। मैं किसी को किसी से हासिल नहीं करना चाहती, ना ही छीनना चाहती हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि फारिस के दिल में मेरे लिए जगह है, लेकिन अब जब मैं जानती हूँ कोई जगह नहीं है तो मैं साजिश नहीं कर सकती।